हेलो दोस्तों, मेरा नाम महावीर जैन और आप देख रहे हैं माइंडेड सर। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे फ्रीलांसर से काम कैसे लेते हैं और कैसे उस काम को हम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा फ्रीलांसर पे काम कैसा होता है ऑफलाइन और कैसे करते हैं। नॉर्मली कॉपी पेस्ट हम बोल सकते हैं, टाइपिंग बोल सकते हैं, होम बेस्ड कोई भी काम फ्रीलांसर से अपन लेते हैं तो कैसे करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहेगी, चाहे वो फ्रीलांसर से रिलेटेड हो चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। तो ये सब्सक्राइब बटन है, आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आगे फ़ायदा होगा। और ये मेरा प्रोफाइल है फ्रीलांसर का, अगर आपने मेरी जो पहली वीडियो बनाई है मैंने फ्रीलांसर के ऊपर, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फ्रीलांसर क्या है, कैसे वर्क करता है, जॉब कहाँ मिलती है, कहाँ पे कैसे क्या करना होता है, उसके बारे में मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, जिसमें साइनअप कैसे करते हैं, एवरीथिंग आपको कुछ उसमें मिल जाएगा। और कुछ जो भी इंफॉर्मेशन बची हैं वो मेरी इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें से पीडीएफ मेरे को क्लाइंट ने दी है। क्लाइंट ने पीडीएफ में जो कुछ डिटेल हैं उनको एक्सेल में चाहिए, एक्सेल में कन्वर्ट होकर चाहिए। इसके काफ़ी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आते हैं बट मैं इसको मैन्युअली हाथ से करूँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल इस तरह की हैं, अगर आपको मैं जूम करके यहाँ दिखा देना चाहूँगा, ये एक डिटेल है, उनको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, एक्सेल में करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने हालांकि काम किया भी है अभी और मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक तो ये कंपनी की जो है डायरेक्टरी है जिसको पीडीएफ में लिस्ट किया गया है, कंपनी की जो भी कंपनी की डिटेल है वो आपको एक्सेल में डालनी है। इसमें कंपनी की डिटेल में क्या क्या दे रखा है यहाँ पर वो देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स लाइटिंग, ये कंपनी का नाम हो गया, ये कुछ प्रिंसिपल हैं या फिर यहाँ के डायरेक्टर वगैरह जो भी हैं उनका नाम है, ये इनका एड्रेस है, ये स्टेट हो गया और ये फ़ोन नंबर हो गया, इसके बाद ये फैक्स नंबर हो गया, और ये आपकी इस कंपनी की या फिर इस फ्रेंचाइजी की इसका .com वेबसाइट हो गया। हो सकता है आपसे क्लाइंट इसकी ईमेल के बारे में जानकारी करे, बट तो यहाँ पे कोई ईमेल नहीं है तो आपको गूगल से सर्च करनी होगी या फिर इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वो ईमेल मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको लिस्ट करना बता देता हूँ, एक बार मैंने जो लिस्ट किया है यहाँ पे, पहले नंबर पे मैं लिख देता हूँ कैंपनी नाम, सेकंड नंबर पे एड्रेस डालना है, तीसरे नंबर पे स्टेट, चौथे नंबर पे फोन नंबर, उसके बाद टैक्स नंबर और वेबसाइट, और उसके बाद ईमेल अगर मांगता है तो ईमेल भी लिख देता है। इन सबको हम एक तो हाईलाइट कर देते हैं कलर ग्रीड में, ठीक है। अब इनको इसके एक्शन है पर मैनुअली, सबसे पहले कंपनी नेम पे इनको कंपनी नेम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबा के कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल बी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एड्रेस ऐसे ही करना है, ये सेलेक्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया, इसके बाद स्टेट, उसके बाद फोन नंबर, क्योंकि यह है सेट का रखी भी रखा था, इसका मतलब यही फोन नंबर है, ठीक है। हाँ, फोन नंबर ये हो गया, टैक्स नंबर यह है और उसके साथ वेबसाइट, ई मेल का कॉलम यहाँ से खाली रख दिया। अगर मैं ई मेल दिखाना चाहूँगा आपको, सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पर जाके देखता हूँ यहाँ मेरे को ई मेल मिलती है कि नहीं मिलती। ये जो एक तो एंट्री हुई है इसमें, हालांकि सारी जो पीडीएफ है इसमें 150 पेज है, इसमें से आपको लगभग लगभग 5000 एंट्री आपको इसमें मिल जाएंगी, और उन 5000 एंट्री के अगर 1 रुपये के हिसाब से भी हिसाब लगाएं पर एंट्री, 1 रुपये पर एंट्री के हिसाब से भी अगर हिसाब लगाया जाए तो आप अंदाजे लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का कितना होगा। करने में टाइम लगेगा, 5 से 10 दिन के बीच में आप इसको कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। मैंने अब यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ देखता हूँ इसका ईमेल मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता, हो सकता है मिल जाए, अगर नहीं भी मिल जाए तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब 5000 रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसमें एक रुपये का ईमेल इतना मायने नहीं रखता।
ये देखिए दोस्तों, ये ईमेल भेजिए रहा है आपको दिखा है, एडवर्टाइज लगा हुआ है, ये इसका ईमेल है और इसके ईमेल को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये एक रिकॉर्ड लगा दिया मैंने, और ऐसे ही करके काफ़ी रिकॉर्ड हम चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ में 155 पेज और काफ़ी से ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से दोस्तों ये पीडीएफ स्क्रैपिंग का काम हम बोल सकते हैं, पीडीएफ टू एक्सेल का या फिर फिलिंग। इसमें एक और ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब फ्रीलांसर पे अलग से काफ़ी प्रोजेक्ट के जो हेड हैं फिक्स होते हैं, लाइक दैट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये डाटा एंट्री का काम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट वर्क का मतलब ऑप्शन, उसमें कुछ नहीं होता, तो कहीं भी अगर वेबसाइट से तो वेबसाइट से कॉपी करना है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से कॉपी करना है, इतना कुछ इसमें लोचा होता नहीं। बस कॉपी पेस्ट वर्क बहुत आसान होता है, हर कोई बंदा कर सकता है। अगर आपके पास आपको माउस पकड़ना भी आता है तो ये मान लीजिए आप पे कॉपी पेस्ट वर्क आता है, बस आपको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। और इस तरह की मैं वीडियो आगे आगे लाता रहूँगा, आपको मैं बताऊँगा कि कैसे और काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे देखने के लिए प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।